हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पेंट को हम किस तरह से मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बेसिक सवाल है कि हर किसी को पता नहीं होता है पेंट को किस तरह से मिक्स करना है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रॉपर तरीका, इसके अंदर पानी कितना डालना होता है, किस तरह से मिक्स करना होता है, और फिर अगर आप चाहो तो इसे वॉल पर किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, वो सब मैं दिखाने वाला हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास आप यहाँ पर देख सकते हो एशियन पेंट का टेक्टर इमल्शन का ये 10 लीटर की बाल्टी है, और इसके अंदर हमने बाल्टी को पहले ओपन करके रखा है। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से पेंट आता है, जैसे कि आप ये देखो अभी हमने आधा यूज़ किया है तो आधा इस तरह से बचा हुआ है। ये पेंट को अभी सबसे पहले हमें डंडे या फिर हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो सबसे पहले मैं छोटा डंडा डालते इसे अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ, क्योंकि आपके सामने जो केमिकल वगैरह थे वो सब ऊपर थे। अभी अच्छे से मिक्स करने के बाद ये सब अंदर चले गए। तो अब इसके अंदर हमें पानी कितना डालना है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि डब्बे के ऊपर ही लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पर आप जूम करके देख सकते होगे, यहाँ पर लिखा हुआ है अच्छे से। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 लीटर के अंदर आप 500 से 700 ml पानी डाल सकते हो। अभी हमारे पास फिलहाल 4 लीटर जितना कलर है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बाजू के जो बाल्टी है वहाँ उसके अंदर 2 या 2.5 लीटर जितना पानी लिया है। सबसे पहले तो हम इतना ही डालेंगे। अभी दोस्तों देखो इसके अंदर मैंने 0.5 लीटर जितना पानी बचा के रखा है। अब हमें लकड़ी वगैरह निकाल देना है। अगर आपके पास मशीन है तो मशीन से यूज़ कर सकते हो, और मशीन नहीं है तो हाथ का यूज़ करो, क्योंकि हाथ से आप अच्छे से मिक्स कर सकते हो। अभी मैं आपको जैसे मिक्स करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो इस तरह से आजू बाजू से जितना भी हो कलर उसे ले लेना है, और फिर अंदर हाथ डाल के इस तरह से मिक्स करना स्टार्ट कर देना है। नीचे देखो इस तरह से कलर गाढ़ा होगा। इस तरह से हमें ऊपर से नीचे ला के इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है, जब तक ऊपर और नीचे वाला हमें हाथ में ऐसा फील ना हो कि दोनों अच्छे से मिक्स हो गया है, तब तक इसे हिलाते रहना है। अभी दोस्तों ये मिक्स तो हो गया है पर अभी गाढ़ा लग रहा है, तो उसके अंदर बचा हुआ पानी भी हम ऐड कर देंगे और फिर से एक बार अच्छे से हिला लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने मैंने थोड़ा दिया था, फिर भी अभी कम लग रहा था जैसे कि मैंने आपको बताया, तो फिर से ये इसके अंदर मैंने 0.5 लीटर पानी और डाल दिया है। अभी फिर से हम हिलाएंगे और ये हमारा कलर वॉल पर करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम ये पता कैसे करेंगे कि हमने जो कलर और पानी सब ऐड किया है वो अच्छे से मिक्स हुआ है या फिर हमारे वॉल पे लगाने के लिए रेडी हो चुका है? तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि अभी मैं आपके सामने कलर हिला रहा था, तो वो कलर वाला हाथ लेना है, इस तरह से 4 उंगली पहले साथ में रखनी हो और फिर ऊपर निकाल के इस तरह से फैलाना है। अगर आपके जो उंगली है उसके बीच में से आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, जैसे कि अभी आप देखो इस तरह से मैं कर रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, एक बार मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो दोस्तों कुछ इस तरह से अंदर कलर लेके आ रहा हूँ, फिर बाहर से इस तरह से ओपन कर रहा हूँ। ये कलर अब वॉल पर करने के लिए रेडी है। आप वॉल पर करने के लिए ब्रश और रोलर का यूज़ कर सकते हो। अभी फिलहाल मैं ये कलर स्प्रे गन से यूज़ करने वाला हूँ। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट में बताना, और ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और इसी तरह के पेंटिंग रिगार्डिंग टॉपिक आपको देखना है तो एक बार पेज पर जाके विजिट भी कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे ही पेंटिंग रिगार्डिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, अपना ध्यान रखना।